हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी की बुक्स, जिसमें हम सेवेंथ क्लास की बुक में पहुंच चुके थे और हम पढ़ रहे थे जियोग्राफी की बुक, जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। हमारा पर्यावरण, उसके हमने एक दो और तीन चैप्टर पढ़ लिए थे। अब ये चौथा चैप्टर है जिसका नाम है वायु। क्या आप जानते हैं मैं क्या दिया हुआ है इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी में विकृत ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। और इसके प्रभाव से मैं धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि वह असंभव वहां पर रहना असंभव होता। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब ये इस ऊष्मा में होने वाला पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापन ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी सबसे ठंडे प्रदेश में जमी बर्फ पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र में जल स्तर में वृद्धि होती है, जिसके तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है एवं दीर्घ अवधि में इसके कारण जल वायु में अत्यधिक परिवर्तन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं। तो एक तरीके से ये पृथ्वी के गर्म रखकर हमें संजीवों को जीने के लिए उचित वातावरण भी देती है, और ज्यादा बढ़ने पर ये गर्मी बढ़ाकर रहने में दिक्कत भी करती है। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर न हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तृप्त होकर जल सकते हैं एवं रात में के समय ठंड में जम सकते हैं। अतः ये एक वायु राशि है जिसमें इसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। वायुमंडल का संगठन, क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होता है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैस है जिनसे वायुमंडल का एक बहुत बड़ा भाग बना हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती हैं। इन गैसों के अलावा धूल के कणों, छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। चित्र 4.1 के वृत्तारेख दिए गया है, जिससे वायु के विभिन्न संगठनों के प्रतिशत दर्शाए गए हैं। इसमें हम देखते हैं यह वायु के संगठन चित्र 4.1, तो इसमें है 78% नाइट्रोजन, उसके बाद सेकंड नंबर पर ऑक्सीजन 21%, और फिर है आर्गन गैस एक से थोड़ा कम 0.93% एंड कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03% और बाकी 0.04% पे है अन्य गैसें। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु में नाइट्रोजन लेकर उसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका उपयोग कर सकते हैं। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता में मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य एवं पशु सांस लेने के लिए वायु में ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है।
कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य एवं पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा उपयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला एवं खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। क्या आप जानते हैं, जब वायु गर्म होती है तो वो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन एवं भारी होती है, इसलिए इसके नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने एवं आसपास के क्षेत्र को ठंडी वायु रिक्त स्थान में भरने के लिए यहाँ आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। ये कुछ ग्लोबल वार्मिंग और पेपर कटिंग है। पढ़ें एवं मनन करें, क्या भूमंडलीय तापन आज के विश्व में एक गंभीर समस्या है? वायुमंडल की संरचना। आप वायुमंडल की 5 परतों में विभाजित हैं, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है एवं शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल एवं बहिर्मंडल है। चित्र 4.2 में ये देख सकते हैं। सबसे पहले शोभ मंडल जहाँ हम रहते हैं, फिर बहिर्मंडल जो सबसे बाहर होगा, बीच में होगा जो मध्य मंडल होगा, और मध्य मंडल और शोभ मंडल के बीच में होगा समताप मंडल, और मध्य मंडल और बहिर्मंडल के बीच में होगा बाह्य वायुमंडल। इस तरीके से इन 5ों के नाम हम याद रख सकते हैं। तो मंडल ये परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावृष्टि इसी परत के अंदर होती है। दूसरा है समताप मंडल। शोभ मंडल के ऊपर लगभग का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसके परिणाम स्वरूप यहाँ परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। इसमें देखें तो यह शोभ मंडल, ये होगी शोभ सीमा। ये लगभग 10 किलोमीटर ऊंचाई दी हुई है किलोमीटर के अंदर। फिर इसमें ये हवाई जहाज वगैरह उड़ते हैं। समताप मंडल में ये शोभ सीमा, ये समताप सीमा, इसके बीच में ये होगी ओजोन परत, भी इसी के अंदर आती है और हवाई जहाज भी इसी के अंदर उड़ते हैं। ये होगी 10 से लेके 45 किलोमीटर तक। फिर इससे ऊपर हो गया मध्य सीमा, ये मध्य मंडल, ये मध्य सीमा तक फैला हुआ होता है। ये होता है 45 से लेके लगभग 85 85 तक, लगभग 40 किलोमीटर तक फैला हुआ होता है। और उसके बाद में बाह्य मंडल होता है, और उसके ऊपर बहिर्मंडल, जितना भी ऊपर जाओ बहिर्मंडल ही होता है। लगभग ये होता है 105 110 तक बहिर्मंडल फैला हुआ होता है। मध्य मंडल ये वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। ये लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली होती है। ये देखिए 80 किलोमीटर लगभग किलोमीटर पर फैली होती है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाली उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाने जाते हैं। बाह्य मंडल, बाह्य वायुमंडल, बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। ये 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग किया जाता है। वास्तव में
पृथ्वी में प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। बहिर्मंडल, बहिर्मंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है जो बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। ये वायुमंडल की परत पतली परत होती है, हल्की गैस जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यही से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। आओ कुछ करके सीखे, स्थानीय समाचार पत्र में 10 दिन के मौसम रिपोर्ट लिखे एवं मौसम के बदलाव का अवलोकन करें। मौसम एवं जलवायु, क्या आज वर्षा होगी, क्या आज दिन साफ होगा और धूप निकलेगी। कितनी ही बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते सुना है। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क में स्पीकर, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रित बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप में दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान पर औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। क्या आप अब आप समझ गए हैं कि मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं? क्या आप जानते हैं, ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के लगभग कितनी है, ये इकाई सैकड़ा हजार हजार लाख लाख करोड़ 10 करोड़ लगभग 20 करोड़ भाग का केवल एक भाग 2 अरब हुआ ही प्राप्त करती है। ये शायद 2 अरब है। तापमान, आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वो वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज्यादा गर्म होती है। आर्द्रपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आपदन कहलाती है। आपदन सूर्यातन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता रहता है। ये एक चित्र है मौसम की जानकारी के लिए यंत्र। ये है वर्षा मापी, कितनी वर्षा हुई, कितना वर्षा की मात्रा मापता है। ये है ताप मापी जो तापमान का मापन करता है। ये है वायु दाब मापी जो वायु में कितना दाब है वो मापता है। और बात दर्शी ये है पवन की दिशा माप दर्शाता है। क्या आप जानते हैं ये क्या क्यों है? यहाँ आप जानते हैं तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है एवं 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। अब तक आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेगी। गांवों की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय में ऐसा फेल्ट से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो जाती है। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। वायु दाब, ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु यह इसका अनुभव नहीं करते हैं हम। इसलिए होता है कि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और आपका शरीर विपरीत बल लगाता है।
पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरता है और समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और समुद्र और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायु दाब का क्षितिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्र में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है एवं निम्न दाब वाले क्षेत्र में निम्न दाब और ये निम्न दाब क्षेत्र बनता है और निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा हुआ होता है। कम तापमान वाले क्षेत्र की वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप ये भारी होती है। भारी वायु निम्न होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। पवन, इससे पहले हम देखें तो क्या आप जानते हैं कि कि चांद पर वायु नहीं है, अतएव वहां वायु दाब भी नहीं होता है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो वे विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को ना पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर पर विपरीत बल लगने के कारण उनकी रक्त सिराएं फट जाएगी, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्त स्राव हो सकते हैं स्रावित हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं पवन का नाम इसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित किया जाता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी या पछुआ पवन कहते हैं। पवन उच्च दाब के क्षेत्र से निम्न दाब के क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। आप पवन को काम करते देख सकते हैं। जब आप सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ती तथा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है, कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इससे महीन धूल एवं धुएं को उड़ाते देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इससे के विपरीत दिशा में चलना कठिन होता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं है। तीन अन्य उदाहरण सोचिए। जब तेज पवन के कारण आपके किसी समस्या उत्पन्न हुई हो, पवन को मुख्यतः तीन प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। वो कौन कौन से प्रकार है भाई? वो है स्थायी पवने, मौसमी पवने और स्थानीय पवने। स्थायी और मौसमी और स्थानीय। व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवने स्थायी पवने हैं। ये वर्ष पर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। वे पवने विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवने और लास्ट में है स्थानीय पवने। वे पवने किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र में की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवने याद है? इसे लू कहते हैं। ये चित्र 4.4 प्रमुख वायु दाब पेटियां हैं। इसके अंदर आप देखें तो ये है 0 डिग्री विस्तृत भूमध्य निम्न दाब डोल दम। इसके ऊपर है ये है 23.5 डिग्री, ये है 23.5 डिग्री। ये हो गई कर्क रेखा, ये हो गई मकर रेखा। इन दोनों के बीच में उत्तर की ओर उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन है और ये दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन है। इनके बीच में ये जो होगी व्यापारिक पवन है और के बाद जो भी होगी वो होगी ये वाली और ये वाली सनातन पछुआ पवन है और जो अंतिम होगी वो होगी ये ये, ये। तो ये होगी
व्यापारिक पवन है, ये हो गई पछुआ पवन है, और ये हो गई ध्रुवीय पूर्वी पवन है, ध्रुवी पूर्वी पवन। और इनको बांटने वाले जगह हैं वो है ये 23.5 डिग्री, और इससे अगर 5-10 डिग्री थोड़ा छोड़ के, इससे 5 डिग्री थोड़ा छोड़ के 35 से लेकर 60 तक, ये वाला भी 60 डिग्री, और वापस ही 90 डिग्री, इनके बीच में ये फर्क पड़ता है। चक्रवात प्राकृतिक आवेश भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित ओडिशा के बंगाल की खाड़ी में ठहरने वाले चक्रवातों का खतरा बना रहता है। 17-18 अक्टूबर 1999 को राज्य में 5 जिलों में चक्रवात आया। 19 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया जिसमें राज्य के एक बड़े भाग में तबाही मचाई। मुख्यतः पवन का वेग, वर्षा एवं ज्वारीय उत्कर्षण से हानियां हुई। 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक के वेग वाली पवन 36 किलोमीटर से भी ज्यादा समय तक चलती रही। तीव्र वेग वाली इन पवन के पेड़ों को उखाड़ दिया और कच्चे घरों को नष्ट कर दिया। अनेक औद्योगिक भवनों तक अन्य घरों की छतें भी उड़ गई। विद्युत आपूर्ति एवं टेलीफोन लाइनें पूरी तरह से कट गई। चक्रवात के फलस्वरूप लगातार 3 दिनों तक भारी वर्षा होती रही। इस वर्षा के कारण ओडिशा की प्रमुख नदियों में बाढ़ आ गई। चक्रवर्ती पवनों के कारण उठी ज्वारीय तरंगों स्थल पर 20 किलोमीटर तक आ गई और फलस्वरूप तटीय क्षेत्रों में भयानक तबाही हुई। अचानक 7 से 10 मीटर ऊंची ज्वारीय तरंगें आ गई जिसके कारण तैयार खड़ी धान की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। यह है चक्रवात द्वारा विनाश का एक दृश्य। 25 अक्टूबर 1999 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड में की खाड़ी में अवदाब के कारण यह चक्रवात उत्पन्न हुआ और यह धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ा, गहन होकर इसके चक्रवात का रूप धारण कर लिया और 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे ओडिशा के तीरथसामा एवं बालीकुंडा के बीच के क्षेत्र में को प्रभावित किया। इस चक्रवात ने भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय नगरों सहित उड़ीसा के पूरे तट को बर्बाद कर दिया। इससे लगभग 130 लाख लोग प्रभावित हुए। बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हुई। धान, सब्जियों और फल की खड़ी फसलों का भारी नुकसान हुआ। ज्वारीय के से उत्पन्न हुई लवणता के कारण कृषि योग्य विशाल भूभाग अनुपजाऊ हो गए। साल सागवान एवं बांस के बागान वाले विशाल भू क्षेत्र नष्ट हो गए और पारादीप एवं कोणाव के बीच स्थित मैग्रोव के जंगल लुप्त ही हो गए। अब यह आर्द्रता, आर्द्रता क्या चीज होती है? जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होकर होता है तो यह जल वाष्प बन जाती है। वाष्प वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती है इसकी जल वाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस कारण यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफी समय लगता है एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। जब जल वाष्प ऊपर उठता है और वह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जल वाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदे बनाते हैं। बादल इन्हीं जल की बूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की यह बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर न सके तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती है। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफेद पथ छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी सघन हो जाती है। वायु के
गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ज्यादातर भौम जल वर्षा जल में ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं, वर्षा जल अनावृत पहाड़ियों के नीचे बहता है। यह निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के तीन प्रकार होते हैं, सहवनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा एवं चक्रवाती वर्षा। ये तीन चित्र दिए हुए हैं, चक्रवाती वर्षा का, ये है पर्वतीय वर्षा का और ये है सहवनी वर्षा का। ये वर्षा के प्रकार है। अब हम इसमें आगे पढ़ते हैं कि क्या क्या ये लिखा हुआ ही नहीं है इसमें। देखते हैं क्या होती है ये वर्षाएं। ये है चक्रवाती वर्षा। चक्रवात आता है तो ये गर्म हवा ऊपर उठी, बादल बने, ठंडी हवा यहाँ आई, बादल ठंडे हुए और बारिश हो गई। तो ये हो गया एक चक्र बना और ये बन गया चक्रवाती वर्षा। ये है पर्वतीय वर्षा। इसमें क्या हुआ, इसमें पर्वतों के ऊपर होती है ठंडी जगह, तो नीचे से आर्द्र वायु ऊपर गई, ठंडी हुई, वापस बर्फ गई। और ये है सहवनी वर्षा, गर्म वायु ऊपर गई, ठंडी हुई, वापस नीचे आ गई। पौधों तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताजा जल प्रदान होता है। यही वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक हो तो बाढ़ आ जाती है। क्या आप जानते हैं वर्षण के दूसरे रूप हिम सहित वृष्टि अथवा ओलावृष्टि है। इसी के साथ ये चैप्टर भी समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।